सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग गूगल पे में कोई बैंक को लिंक कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिलता है। आई होप अगर आप लोगों को यही एरर देखने को मिलता है तो आप लोग कैसे इस एरर को सॉल्व कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ पे देखने को मिलता है कोडेंट फ्रेंड अकाउंट। ठीक है, अगर यही एरर आ रहा है तो आप लोग कैसे इस एरर को सॉल्व करिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे, मैं फिर से ट्राई अगेन करता हूँ और यहाँ पे मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा है। अगर आपकी कोई भी बैंक होती है उसको सेलेक्ट करिएगा और कंटिन्यू करिएगा। जैसे कि आप लोग कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे फिर से यही प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पे देखने को आ रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे कि देख रही हो, यहाँ पे फिर से यही प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। आप लोग जानना चाहते हो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। आप लोग जब भी बैंक लिंक करते हो गूगल पे में तो फ्रेंड्स क्या करिएगा, इसको मिनिमाइज़ करिएगा। ठीक है, इस तरीके से मिनिमाइज़ करिएगा। मिनिमाइज़ करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग अपनी प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद यहाँ पे सर्च करिए गूगल पे। ठीक है, गूगल पे टाइप करिए और सर्च करिए, और आपको चेकआउट करना होगा कि आपका जो गूगल पे होता है वो अपडेट है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा, मेरा नेट का थोड़ा सा इशू है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च किया है, इसके बाद यहाँ पे गूगल पे आ जाता है। गूगल पे को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे अपडेट मिलता है तो आप लोग अपडेट करिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरा गूगल पे यहाँ पे अपडेट हो रहा है। थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करिएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पे आपको लीव मिलता है तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी लीव है, यहाँ पे ज्वाइन है तो मैं यहाँ पे ज्वाइन दोबारा से नहीं कर पाऊँगा। ये एप्लीकेशन यहाँ पे अपडेट हो जाती है, इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा वेट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स यह और अपडेट हो जाता है, इसको क्या यहाँ से ही ओपन करिएगा जिस तरीके से मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों को यहाँ पे बैंक लिंक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे और राइट हैंड साइड में प्रोफाइल मिलती है कॉर्नर पे, इस पर टिक करिएगा। यहाँ पे आपको सेंड मनी के ही जस्ट नीचे मिलता है बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करिएगा। आपकी जो भी बैंक होती है उसको सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कंटिन्यू, तो आप लोग कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो मेरी बैंक यहाँ पे ऐड हो जाती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, अदरवाइज आपकी बैंक ऐड नहीं होती है तो आपके फ़ोन में दो स्लॉट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपके उसमें दो सिम होती हैं तो आप लोगों की एक सिम में रिचार्ज होता है और एक सिम में रिचार्ज नहीं होता है। सपोज मानो कि आपकी एक सिम में रिचार्ज नहीं है, उससे ही आपकी बैंक लिंक होती है और आप लोग बार बार उसको ट्राई करते हो और उसमें रिचार्ज होता है, उसमें बैंक लिंक नहीं होती है, तो उससे आप लोगों को जो OTP होता है वो सेंडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर आपका OTP सही नहीं जा रहा है और आपकी बैंक ऑलरेडी उसी नंबर से लॉगिन होती है, उसी नंबर से एक्टिवेट होती है जिस नंबर से आप लोगों गूगल पे में ऐड किया है, और सारा का सारा होता है लेकिन गूगल पे में जो बैंक लिंक होती है तो सेंडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स क्या करिएगा, इसको मिनिमाइज़ करिएगा। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोग अपना मैसेज बॉक्स को इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करिएगा। ऐप इन्फो पे आइएगा, ऐप इन्फो पे आने के बाद परमिशन पे क्लिक करिएगा और सारी की सारी परमिशन यहाँ से अलाउ करिएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अलाउ कर लिया है, आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी अलाउ कर सके तो अब मैंने अलाउ कर लिया। इसके बाद बैक करिएगा, स्टोरेज एंड कैश पे क्लिक करिएगा, क्लियर कैश करिए, ओके करिएगा। ठीक है, इसके बाद इसको मिनिमाइज करिएगा। मिनिमाइज़ करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग फिर से आपको क्या करना, गूगल पे को ओपन करिएगा। ठीक है, और आपको चेकआउट करना होगा कि आपका जो गूगल पे आप लोग यूज़ कर रहे हो वो गूगल पे उसी नंबर से लॉगिन होना चाहिए जो नंबर आपने बैंक अकाउंट में आपने ऐड किया था। ठीक है, अगर नहीं ऐड है तो आप लोग
नज़दीकी शाखा या फिर नज़दीकी बैंक से जा सकते हो। आप लोग अपना नंबर ऐड कराओगे तो आपका वो नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ऐड कर सकते हो। अगर ऐड नहीं भी हो रहा है तभी भी वही चीज़ आ रही है, आपकी ऐड है पहले से ऑलरेडी, तो आपके जो मैसेज होते हैं वो देख लेना है, आपके मैसेज ख़त्म तो नहीं होंगे, और आपका फोन सिम में रिचार्ज है या नहीं वो भी चेकआउट करना होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने पूरी की पूरी जानकारी बता दी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप लोग जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।